Good morning, Dr. Betty. Sit down. Thank you. Congratulations. Congratulations? For what? Tata Memorial Hospital has just appointed you director of surgery. I think this is the best news of my life. It's like a dream fulfilled. Well, you've always wanted to go back to India to help your people and to use all these skills that you've learned. But remember, anything happens, you always have a post back here in this hospital for a position for you and a person of your skills. Very, very kind of you. Thank you very much. Oh, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश। What's the matter? अरे बात क्या है, बुलावा आ गया है। बुलावा? अरे भाई, अपने देश से बुलावा, अपने वतन से बुलावा। ये देखो, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी। अब बोरिया बिस्तर बांधो और घर चले। ये देखो, मैंने एयरलाइंस वालों को दो टिकटों के लिए भी कह दिया है। अरे यार, कुछ रिएक्ट तो करो। क्या रिएक्ट करो? मतलब जुदाई का एक नाम टाटा मेमोरियल भी है। ये क्या कह रही हो तुम? रवि, जैसे तुम्हारा एक ड्रीम है ना, हिंदुस्तान वापस जाके वहां के मरीजों का इलाज करना, वैसे मेरा भी तो कोई ड्रीम हो सकता है। अरे जान, तुम्हारे और मेरे ड्रीम में क्या फर्क हो सकता है? जो ड्रीम राम का होगा, वही ड्रीम सीता का भी होगा। मतलब सीता को अपने सपने देखने का कोई अधिकार नहीं। अन्नू, रवि, मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं हूं, मैं एक डॉक्टर भी हूं। और तुम्हारी तरह मेरा भी एक मिशन है। बहुत साथी ब्लड कैंसर से मेरी अपनी लड़ाई चल रही है। मैं जानता हूं अन्नू, मैं जानता हूं कि तुम ल्यूकेमिया पर रिसर्च कर रही हो, लेकिन ये रिसर्च तो हिंदुस्तान में भी हो सकती है। क्या बात कर रहे हो तुम रवि, ये रिसर्च हिंदुस्तान में हो सकती है। इस तरह की लाभ तुम मुझे वहां दे सकोगे? रिसर्च की आसानियां तुम मुझे वहां दे सकते हो? रवि, यू नो इट्स इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल, यू नो। तुम ये कह रही हो कि मेरे साथ हिंदुस्तान नहीं चलोगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं नहीं चलूंगी, मैं ये कह रही हूं कि मैं चल सकती नहीं। क्यों नहीं चल सकती? तुम्हें और मुझमें बहुत फर्क है रवि, तुम सिर्फ एक डॉक्टर हो, तुमने अपने मरीजों को अच्छा भी किया है, उनको अपनी आंखों के सामने मरते हुए भी देखा है, लेकिन लेकिन तुमने कभी अपनों को मरे हुए नहीं देखा। मैंने देखा है अपने भाई बंटी को, वो लुकेमिया से मर रहा था और हम सब बेबसी से चुपचाप खड़े उसे मरता देखते रहे। उसकी शरारतें मर गई, उसकी हंसी मर गई, और मैं एक बदनसीब बहन उसकी लाश के साथ सिर्फ एक ही वादा कर सकी थी कि लुकेमिया को शिकस्त देने के सिवा और कोई सपना नहीं देखूंगी। ये लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है रवि, मुझे लगा तुम इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे। तुम भी ठीक कह रही हो अन्नू, लेकिन मैंने भी यही सोचा था कि मेरी इस लड़ाई में तुम मेरा साथ दोगी, लेकिन पता चला हम दोनों ही अकेले रह जा रहे हैं। क्या करूं रवि, मैं अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। तुम अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, और मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अनु, मैं चाहता हूं कि छोड़ के जाने वालों को इतना नहीं चाहना चाहिए। अरे कौन छोड़ के जा रहा है तुम्हें? क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं? अपने साथ लेके जाऊंगा तुम्हें। सुनो, मैं रेजिग्नेशन देने जा रहा हूं, शाम को अपार्टमेंट में मिलेंगे, फिर बातें होगी। अनु, अनु, अनु,
हेलो अन्नू है वहां? हाँ जरा बुलाइए उसे। अभी देखो रवि, अन्नू ने हमें सब कुछ बता दिया है, तुम यहीं क्यों नहीं आ जाते? यहीं सारी बातें हो जाएंगी। बात क्या करनी है डैड, वो मेरे साथ हिंदुस्तान चलेगी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड यू रवि, हिंदुस्तान ना तुम्हारा भविष्य है ना तुम्हारा कैरियर। हिंदुस्तान मेरा सब कुछ है, हिंदुस्तान मेरा वतन है। रवि, तुम्हारे वतन ने तुम्हें पागल बना दिया है, दीवाना बना दिया है। जी हाँ, मैं अपने देश की मोहब्बत में सचमुच दीवाना हूँ, और ये दीवानगी तो है कि मैं अपना शानदार मुस्तकबिल और एक बेमिसाल करियर छोड़कर अपने वतन वापस जा रहा हूँ। वतन एक कॉन्सेप्ट है रवि, वहां की ब्यूरोक्रेसी दो ही दिन में तुम्हें पीस कर आदमी से धूल बना देगी। पर वो धूल तो मेरे वतन की होगी ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी अन्नू को अपने नेशनलिज्म की चक्की में पीस कर धूल बनने के लिए वहां ले जाओ। डैड, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। रवि, तुम भी समझने की कोशिश करो, हिंदुस्तान चाहे तुम्हारे लिए सब कुछ हो, बट डोंट फॉरगेट दैट आई एम एन अमेरिकन सिटीजन एंड सो इज माई डॉटर। अनु तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। डैडी, भूल जाओ कि तुमने अनु से प्यार किया था, उसके साथ जिंदगी निभाने का वायदा किया था। मैं अनु से प्यार करता हूं, इसलिए तो जिद कर रहा हूं कि वो मेरे साथ चले। रवि, वो क्यों जाए? तुम उसके साथ यहां क्यों नहीं रह सकते? मेरी बेटी की मोहब्बत क्या तुम्हारी मोहब्बत की गुलाम है जो तुम्हारी मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो तुम्हारे साथ हिंदुस्तान चली जाए? इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है, अनु यहां रहे और मैं वहां? इट इज नॉट डन। अनु मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है। रवि, अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरी बेटी की जगह हिंदुस्तानी मरीजों के बाद आती है तो मेरी बेटी को जगह कबूल नहीं। इट इज बेटर दैट यू डिवोर्स हर एंड गो। Inasmuch as both parties to this divorce have not contested the proceedings, this court has no recourse but to accede to their wishes. Divorce is hereby granted. The bailiff will prepare the necessary papers. डैडी, आप जो चाहते थे तलाक तो हो गई, अब आप सबसे आज्ञा चाहूंगा। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी। रवि, मुझे कार तक ले चलो प्लीज। मैं समझती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। क्या करूं अनु, मुझे अपने देश से भी बहुत प्यार है। वहां से अपने बारे में लिखा तो करोगे? क्या लिखूंगा, किस नाम से मुखातिब करूंगा तुम्हें? अब तो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं रह गया, ना दोस्ती का, ना मोहब्बत का, और ना पति पत्नी का। हाँ, सिर्फ एक दर्द का रिश्ता ही रह गया है। अच्छा चलो, इसी रिश्ते के नाते कभी कभी दर्द बांट लिया करना। अनु, दर्द बांटा नहीं जाता, दर्द सहा जाता है। इतनी शक्ति है तुम्हें? देखा नहीं तुमने, आज एक पति अपनी पत्नी से हमेशा के लिए जुदा हो रहा है। बाय बाय।
मैंने सोचा था वही है। बस अपना ख्याल रखना, तुम मां बनने वाली हो। यास्मीन, कैसी तुम्हारी सहेली? अंकल, शी इज प्रेग्नेंट। 2 महीने हो गए। मम्मी, आप और डैडी इतने खामोश क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी, मम्मी कुछ तो बात है। बेटी, मैं सोच रही थी ये अच्छा नहीं हुआ, रवि खुद तो चला गया। और मम्मी, अनु बेटे, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। बेटे, तुम जवान हो, कब तक इस तरह जिंदगी बसर करोगी? तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छे अच्छे लड़के आएंगे, किसी एक को पसंद करके शादी कर लो बेटे और अपना नया जीवन शुरू करो। बेटे, ये बच्चा तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए एक रुकावट बन जाएगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा बेटे कि ये बच्चा इस दुनिया में ना आए। आपकी बात खत्म हो गई डैडी, अब मेरी भी सुन लीजिए। रवि ने अपने फर्ज के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी, मैंने अपने फर्ज के लिए अपने प्यार का गला घोंट दिया। ये बच्चा हम दोनों के प्यार की आखिरी निशानी है। ये हमेशा मेरे पास रहेगा। Have I made my position clear?